वेरी गुड मॉर्निंग डियर मॉडर्न स्टार्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस को भी एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमें पता है हमारे यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, जिनका रिवीजन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। और इन रिवीजन के थ्रू आज हम बात करेंगे अपने रिवीजन टू की। हमारा फर्स्ट रिवीजन था टिक द करेक्ट ऑप्शंस, उसका वीडियो आपको MPS सुल्तानपुर चैनल पर मिल जाएगा। और ये है आज का हमारा रिवीजन टू, फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे रिवीजन टू, फिर लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद फर्स्ट चैप्टर के ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। ओके, जिनमें है लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीद एयर टू स्टे हेल्दी। लिविंग थिंग्स को एयर चाहिए होती है हेल्दी रहने के लिए। रिप्रोडक्शन मीन्स टू गिव बर्थ टू द यंग वंस। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नए बेबी का बॉर्न होना। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स जिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अ सीड ग्रोज इनटू द सिडलिंग्स दैट फर्दर ग्रोज इनटू द ट्री। सीड जो है वो सिडलिंग्स में ग्रो करती है और उसके बाद में वो ट्री बन जाती है। क्लाइंबर्स मूव अपवर्ड विद द सपोर्ट ऑफ स्टिक्स एज दे ग्रो। क्लाइंबर्स को जो है सपोर्ट ऑफ स्टिक चाहिए होता है जिससे वो ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। तो आई होप आपको ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। छोटे छोटे हैं बच्चों, बहुत अच्छे से आपको आते हैं और आपको इनको अपनी कॉपी में एज अ रिविजन टू लिखना है। उसके बाद में चैप्टर 2 की जब हम बात करेंगे तो आप ऑलरेडी 5 लिख चुके हैं, तो रिविजन 6, 7 और 8 डालेंगे यहाँ पर। ओके, डीप ब्रीथिंग इज प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग योगा एंड मेडिटेशन। डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस हम योगा और मेडिटेशन में कर सकते हैं। अमोनिया इज अ वेरी कॉमन बाय प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़। अमोनिया का यूज़ हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही कॉमनली करते हैं। लंग्स अब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन गैस फॉर्म्स इनहेल एयर एंड सेंड इट टू द ब्लड। ऑक्सीजन गैस जो है लंग्स के थ्रू अब्जॉर्ब की जाती है एयर से और उसको बाद में लंग्स में ब्लड में सेंड कर दिया जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये आपके 8 फिल इन द ब्लैंक्स समझ में आए होंगे। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स अपनी कॉपी में करना है, ये आपका रिविजन 2 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने रिविजन 3 की। रिविजन 3 है हमारा ट्रू फॉल्स। ओके, ट्रू फॉल्स रिविजन 3 भी बहुत ईजी सा है, आपको पता है ट्रू फॉल्स आपको आते हैं बहुत अच्छे से। आपको क्या करना है रिविजन 3 में, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है रिविजन 3 और उसके बाद आप लिखेंगे राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट। ओके, इसके बाद में जब आप लिख लेंगे तो आपका फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, ह्यूमन बींग्स यूज फायर टू मूव। फॉल्स, फायर से वो मूव करते थे या व्हील्स से मूव करते थे, तो ये फॉल्स है। फिंस से मूव करते हैं या वो लेग से मूव करते हैं, तो वो फिंस से मूव नहीं करते थे, वो लेग से मूव करते थे। एयर इज़ नेसेसरी फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, सो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। एयर इज नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स। एयर किसके लिए नेसेसरी है? लिविंग थिंग्स के लिए। प्लांट्स टू कैन फील द चेंजेस अराउंड देम, येस दिस इज ट्रू। प्लांट्स भी फील करते हैं अपने अगल बगल के चेंजेस को। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू अदर पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट, येस दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट एंड अदर एनिमल्स, येस दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये आपके रिविजन 1 और रिविजन 2 है। बहुत ही छोटा छोटा सा रिविजन है, आप बहुत ईजली कर सकते हैं और आपको इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।